आज कक्षा छः के विद्यार्थियों के लिए देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर परीक्षा है और यह बाजारू पेपर है और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का है। यह बहुत से दुकानदार ने कहा कि मेरा पेपर बहुत से जिलों में गया है और आशा करता हूं कि यही पेपर आपके विद्यालय में भी पहुंचा होगा। परीक्षा देने से पहले 2-3 बार हमारे वीडियो को ज़रूर देखना। यदि आपको लगे वीडियो दमदार है, पेपर आपके विद्यालय में आ सकता है, तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पेपर आपके विद्यालय में आया था। ये सेट 2 होगा, एक पेपर पहले से ही आपके यहाँ आपको हमारे वीडियो में पढ़ा था और ये दूसरा पढ़ रहा है। सीधे अपने प्रश्न पत्र आता हूँ। प्राचीन काल के मानव किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? दीर्घ उत्तरी है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया। जिस क्वेश्चन पे आपको संदेह लगे अपने विषयाचार्य से अथवा गूगल से सर्च कर लेना। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखो। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगा निशान लगाइए। कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आप छोड़ देंगे तो सर जी आपको उस प्रश्न पर नंबर नहीं देंगे और अटेम्प्ट करे रहेंगे तो 1-2 नंबर तो मिल ही सकते हैं। इसलिए सभी प्रश्न आपको करना है, छोड़ना नहीं है। वेद धार्मिक साहित्य है? सत्य। वेद धार्मिक साहित्य है? सत्य। हयान मौर्य काल में भारत आया था? गलत है ये। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे? गलत। सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? सत्य। मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? इसके डिस्क्रिप्टिव वर्णन करना है आपको। पाषाण युगीन मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? देख रहे हैं। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहन जोदड़ो के अर्थ हैं मृतकों का टीला, यहाँ भर देंगे क्या, मृतकों का टीला। रोपण भारत के पंजाब राज्य में है, कहाँ है? पंजाब राज्य में। व्यापार और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था, तो इसमें आपको लिखना है व्यापार और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। अपना कंसल्ट कर लेंगे अपने सर जी से, तब यहाँ भरना क्या होता है। खंडखा, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम लिखो, योगी आदित्यनाथ जी हैं। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? अर्थात इसमें आपको लिखना है कि भारत अनेक धर्मों संस्कृतों का देश है। सभी प्रकार के हम विविध अनेक प्रकार के लोग यहाँ धर्म मतावलंबी रहते हैं, फिर भी हम सभी आपस में एक हैं, यही है विविधता में एकता। खंडगा से है, ग्रह एवं उपग्रह में क्या अंतर है? सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, उपग्रह जो है ग्रह का परिक्रमा करते हुए सूर्य का परिक्रमा करता है। चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा तारों की अपेक्षा बहुत समीप है हमारे, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। तारे गर्म से बने गोले हैं, इसे भरना है आपको, सर्च कर लेंगे या पूछ लेंगे। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, अब 8 हो गए, पहले 9 थे, कंसल्ट कर लेना है भी। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह के मध्य पाए मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा सेट आपके यहाँ आया था। और घंटी का बेल आइकन दबा दीजिए तेज़ी से ताकि आपको आने वाला हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।